सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में ना मैं मतलब काफी सारी चीजें बातें करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू एकेडमिक ऑफेंस, प्लैगरिज्म और मेरा सेमेस्टर। आई एम गोना शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। और आप जैसे किसी एकेडमिक ऑफेंस में फंसते हो किसी मॉड्यूल में, या फिर किसी मॉड्यूल में आपका प्लैगरिज्म लगता है, सो ऑल द इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना शेयर कि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में एक मॉड्यूल में प्लैगरिज्म लगा था, दैट इज द plagiarism or you can say the academic offense. So I have shared my own experience through how I got all of these things, but in case you haven't watched my video, you can go through to my channel and you will find that video. So leave all that apart, let's discuss ki aaj ki video mein main aapko batane wala hu ki kaise. So abhi kya hua hai na ki aaj hame university se ek email aaya tha and we got our first term results, jisme ki hame sare marks wagera online hame dikha raha hai portal pe ki kitna aapka marks aaya hai, kitna apne grade banaya hai. और आपको अगर किसी मॉड्यूल में फर्स्ट टर्म में, क्योंकि अभी हमारा सेकंड टर्म फिनिश हुआ है एंड द एग्जाम्स वी डिड इन द सेकंड टर्म, उसके कुछ मॉड्यूल्स के रिजल्ट आए नहीं है, कुछ के रिजल्ट आ चुके हैं. सो द थिंग इज कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ इज दैट कि आज रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे, क्योंकि ईच स्टूडेंट से डिफरेंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इन केस यू गॉट द प्लैगरिज्म और द एकेडमिक ऑफेंस, या इन केस आप किसी मॉड्यूल का कोई परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे एक मॉड्यूल जो है 100% होता है, और मॉड्यूल जो 100% होता है तो उसमें डिवाइडेड होता है, इन केस इट कुड बी लाइक डिवाइडेड इन द 50-20% एंड देन 30%. तो मेरा जो मॉड्यूल था MA335, दैट इज द मॉडलिंग एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो स्टूडेंट अप्लाइड डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन सब्जेक्ट्स के लिए आ रहे हो या कोर्स के लिए आ रहे हो, दे विल लाइक एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो द थिंग इज कि उस सब्जेक्ट में मेरे को एकेडमिक ऑफेंस लगा था, और द मेन थिंग इज कि द मॉड्यूल वॉज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, दैट इज 30% ऑफ दैट मॉड्यूल वॉज द लैब टेस्ट, 20% वॉज द क्लास टेस्ट, एंड 50% ऑफ दैट मॉड्यूल इज अ फाइनल प्रोजेक्ट. सो आई गॉट प्लैगरिज्म इन द फाइनल प्रोजेक्ट, दैट इज द 50%. तो क्या हुआ कि और जो 20% था दैट इज लैब टेस्ट, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया था ड्यू टू माई सर्कमस्टेंसेज. मैं फैब में यहाँ पे बहुत लेट आया था एंड उसके नेक्स्ट वीक ही वो एग्जाम हो गया था, सो आई वॉज नॉट इवन एबल टू सेटल डाउन माई सेल्फ, और एग्जाम हो गया, सो दैट वॉज माई कंडीशन. इन दैट केस अगर आप कोई भी एग्जाम या ऑनलाइन टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते हो, देन इमीडिएट आफ्टर दैट एग्जाम यू हैव टू फिल दैट एक्सटेन्यूटिंग सर्कमस्टेंसेज फॉर्म. इट माइट डिफरेंट टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, बट मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी द सेम. सो सर्कमस्टेंस एक्सटेन्यूटिंग फॉर्म आपको भरना होता है एंड यूनिवर्सिटी विल कंसिडर इट. वंस दे विल कंसिडर, देन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, लाइक इन द नेक्स्ट टर्म, यू कैन अप्लाई फॉर द रीअसेसमेंट. सो आज जो हमें रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें मेरे पोर्टल पे जो मेरे मॉड्यूल्स क्लियर हैं जिसमें मैं पास हूँ, वो मार्क्स तो प्रॉपरली शो कर रहा है. एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू कि यहाँ पे एक पोर्टल है, वहाँ पे आप बॉटम पे जाओगे तो इन दैट आपको समझ आएगा कि रीअसेसमेंट का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है. सो लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन, मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ कि कैसे. सो जैसा कि आप देख सकते हो ना मेरी स्क्रीन पे, दैट इज 20th of July 2022. मुझे आई हैव टू मेक अ कन्फर्मेशन और बिफोर दैट 20th of July, सो दैट दे कैन लाइक कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर द रीअसेसमेंट. सो वट हैपन्स इफ यू डू नॉट मेक योर चॉइस बाय द डेडलाइन, सो दे वुंट लाइक कंसिडर इट, और फिर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा टाइम पे. एंड बिफोर दैट लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक हियर अंडर Undertake reassessment and proceed with the summer modules. ठीक है, तो once I click on that this link, you can clearly see एक that is the MA335 course reset. ठीक है, और जब भी आपका कोई भी मॉड्यूल अगर reset पे आता है तो आपको वो £50 per module pay करना पड़ता है in order to reset that module. और in case the if like they have considered your extenuating circumstances forms, then it will consider as a first set. Then department will like set the deadlines. Obviously, in dono case mein department gonna share the timetable for that. Ki kab aapka test ho sakta hai, when they can like give you the deadlines for that. Or so
और मैं आपको ये बताना चाहता कि एक तो रीसेट हो गया, दूसरा फर्स्ट सेट हो गया, ठीक है। रीसेट में आपको £50 पर ईच मॉड्यूल पे करना होता है। और एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड कर दूं कि इन केस यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट और द कंसर्न ना, प्लीज डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। आई मीन यू कैन, बट द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स हु कैन प्रोवाइड यू द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वुड बी योर डिपार्टमेंट, वुड बी योर यूनिवर्सिटी। सो आई विल सजेस्ट एवरी वन कि अगर इन केस यू हैविंग एनी रीसेट और एनी रीअसेसमेंट और एनी काइंड ऑफ द डाउट, प्लीज रीच आउट टू योर डिपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल। दे आर गोना हेल्प यू इन एवरी स्टेप। सो द थिंग इज वाई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने उनको मेल वगैरह किया एंड दे लाइक टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग। इवन आई कॉल्ड देम टुडे मॉर्निंग एंड आई वांट टू डिस्कस कि भाई कैसे ये सारा रीसीट वगैरह होगा और कितना मॉड्यूल कितना मेरे को पे करना है। और इसमें एक और चीज़ होता है कि कैप वगैरह का सिस्टम किधर गया, वो मॉड्यूल कैप डेट 50, ठीक है। तो आपको अगर इसमें आपके 100 मार्क्स भी आते हैं देन दे विल ओनली कंसिडर 50 मार्क्स। और अगर आपको मॉड्यूल कैप नहीं लगा रखा जैसे कि इस वाले मॉड्यूल में, तो अगर आपके 100 मार्क्स आते हैं तो दे विल कंसिडर 100 ओनली। सो ये आपको समझ आ गया ये दोनों चीजें, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म में जब मैं सेप्टेम्बर इनटेक के लिए मतलब आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, बट एज आई वॉज ए जैन इनटेक स्टूडेंट सो आई कैन शेयर ओनली दैट वन। सो जैन इनटेक में अगर आप फर्स्ट टर्म में जो कि आपका जैन टू मार्च होता है फर्स्ट टर्म, तो इनकेस यू लाइक हैव एनी रीसीट और रीअसेसमेंट और आप किसी मॉड्यूल में फेल हो गए हैं, देन आप वो सेप्टेम्बर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और समर टर्म में आपको दैट इज द सेकेंड टर्म, उस टर्म पे आपको एग्जाम देने होते हैं, मतलब रीअसेसमेंट देना होता है। सो इनकेस यू फेल्ड इन द सेकेंड टर्म दैट इज द समर टर्म, तो आपका जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मतलब SHS कोई वीजा पे या कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, दिस इज व्हाट आई हैव कंसर्न विद देम। और दे हैव सजेस्टिंग मी दिस थिंग कि वीजा से पहले, जब तक आपका वीजा वैलिड है उससे पहले दे वो आपको चाहेंगे कि पास कर दे। तो अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, प्लीज रीच आउट टू योर डिपार्टमेंट रादर देन एनीवन एल्स। सो मैंने ये इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे दिखा रहा है कि इस मॉड्यूल पे ये मेरा कोर्स वर्क है और जिसमें जो कि मेरा कंपल्सरी मॉड्यूल है। कंपल्सरी मॉड्यूल का अगर आपका रीसीट आता है तो उसमें £50 ईच मॉड्यूल आपको पे करना पड़ेगा। और अगर वॉलंटरी रीअसेसमेंट दैट इज कि मतलब आपने टेस्ट वगैरह दिया था, आपने मॉड्यूल में बस फेल हो गए हो बट ओवरऑल आप फेल नहीं हुए हो, वो इस तरीके से है जैसे कि MA 331 का क्या हुआ था ना कि इसका 40% का एक टेस्ट था एंड 60% का प्रोजेक्ट था। तो ओवरऑल मैं पास हूँ बट जो 40% का टेस्ट था उसमें मेरे कम मार्क्स आए, काइंड ऑफ मैं फेल हो गया था, बट ओवरऑल मैं पास हूँ। बट मैंने उसके लिए रीसेट के लिए भर दिया था। तो अगर मेरे इस पे अच्छे मार्क्स आते हैं तो 40 out of 40 मुझे मिलते हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड ना, मेरा इससे परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। सो इस वजह से मैंने भर दिया था। इन केस अगर आपके साथ ऐसा कोई होता है तो आप भी प्लीज भर देना तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और फिर ये मेरे को £50 का पेमेंट करने को बोल रहे हैं। सो मैं इसको भरता हूँ, पेमेंट करता हूँ। सो अगर आप एसेक्स यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में टेक्निकल कोर्स करने जा रहे हो, IT रिलेटेड कोर्स करने जा रहे हो, जैसे कि आर्टिफिशियल नेटवर्क या डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या इन लर्निंग, डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क, सो इन फील्ड में देखो आज की डेट में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है और आज की डेट में जो मार्केट है वो IT रिलेटेड ज़्यादा है। सो इन केस यू आर कमिंग इन द UK और या किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने इन सबसे पहले लाइक बिफोर यू गो टू एंड स्टडी दैट कोर्स, उससे पहले अगर आप वो किसी भी कोर्स में, तो इन टाइप के सब्जेक्ट्स अगर आप पहले से कोर्स वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारी कोर्स अगर आप करोगे ना तो आपको पहले से काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। और वंस यू हैव द बेसिक आइडिया कि कैसे होती है सारी चीजें, लाइक न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या कोर्स होता है, क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या रिसर्च करना पड़ता है, सो वंस यू विल हैव द ऑल ऑफ द आइडिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाके, iNeuron का है वो वेबसाइट, काफी सारे कोर्सेज उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, तो अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे कुछ कोर्स वगैरह बाय करते हैं तो आपको काफी सारे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं और इट विल हेल्प यू इन द लाइक परस्यूइंग द मास्टर्स वेरी इजिली और यू कैन क्लियर द मास्टर्स वेरी इजली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आई बिलीव कि मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपका रीसीट या रीअसेसमेंट या किसी भी तरीके से एकेडमिक ऑफेंस या प्लैगरिज्म या कुछ भी लगता है तो आपको देखो डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा ना हो, बट देखो सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं, कोई जानबूझ के फेल नहीं होना चाहता है। मैं मतलब सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं यार कौन बंदा यहाँ पे 18-20 लाख पैसे लगा के और फिर फेल होना चाहेगा, राइट? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो सर्कमस्टेंसेज ही ऐसे थे कि
नहीं हो पाया, ठीक है नहीं हो पाया किसी हाल में, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी सेकंड चांस या नहीं देती है, दे गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी मैनर, सो मेक श्योर लाइक यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटी एनी हाउ। अगर आप यूनिवर्सिटी के क्लोज रहते हो स्टिल यू हैव टू कनेक्टेड विद यूनिवर्सिटी, इन केस यू आर लिविंग फार अवे स्टिल यू हैव टू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कैसे इन सब चीज़ से डील करना है आपको, मैंने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी आपको बताए, होपफुली यू विल लव द वीडियो। मजा आया, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।